हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स गॉर्जियस टिप्स एंड आई एम हिना। सो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आ रही है नवरात्रि, तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानती हूँ नवरात्रि है मतलब डांडिया है, मतलब खूब सारा मेकअप है और खूब सारा डांस है। सो मुझे भी बहुत पसंद है नवरात्रि बिकॉज आई लव डांडिया, मुझे बहुत पसंद है। मैं बिफोर मैरिज मैं एक भी दिन नहीं मिस करती थी डांडिया का। आफ्टर मैरिज थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो गया है, बट हाँ जाती हूँ। 4 to 5 days आई डेफिनेटली गो फॉर द डांडिया, एंड रेस्ट ऑफ डे पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा खुद का भी मन नहीं होता और कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं कि आप नहीं जा पाते हैं। सो या 4 to 5 days डेफिनेटली आई एम गोइंग। एंड दैट्स आज का जो वीडियो है वो है पिकअप लुक के ऊपर, कि आप नवरात्रि में किस टाइप का मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जाना है डांस करने तो वहाँ मेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक से एक मेकअप के साथ लोग वहाँ पे आते हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना भी थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आप डांस करेंगे और डांस करेंगे तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग करे होगी तो आपको मेकअप बहेगा। तो मेकअप को बहने से बचाने के लिए आपको लास्ट एक टिप्स दे दूँ, मेकअप करने के बाद रोज़ वाटर का स्प्रे ज़रूर करें अपने फेस पे एटलीस्ट 4 to 5 times आफ्टर मेकअप। आपको अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे करना है, जस्ट लाइक दैट। जस्ट यूज़ द स्प्रे बॉटल तो इजी होगा, क्योंकि अगर आप टैप करके लगाएंगे तो शायद मेकअप में थोड़ा इशू हो जाए। सो इट वाज़ इजी वे, सिंपली स्प्रे बॉटल पे स्प्रे कर लीजिए। इस टाइप के स्प्रे बॉटल आजकल इजीली हर मार्केट पे अवेलेबल है, ये डाबर का गुलाब जल है। सो अगर आपको कोई और कंपनी का भी इस तरह का मिलता है या फिर स्प्रे बोतल है आपके पास, तो रोज़ वाटर उसमें डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है स्प्रे बोतल से। सो इस टाइप से स्प्रे करिए एटलीस्ट बिफोर डांस में जाने के पहले, आप एटलीस्ट 4 to 5 times अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए ये रोज़ वाटर। एंड हाँ, सेकेंड टिप से आपको मेकअप करने से पहले अपने फेस पे एटलीस्ट 2 times अप्लाई करना है, और ये मिस हो गया मेरे से, मैं दिखाना भूल गई। आफ्टर फाउंडेशन जब आप अप्लाई कर लेते हैं आपके फेस पे एटलीस्ट 2 times फिर से इसे स्प्रे करिए। आप जितना ज़्यादा फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे करेंगे आपका मेकअप उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर मैं बोलूँ तो ये वाटर प्रूफ हो जाता है आपके इसके बार बार यूज़ करने से। सो मेकअप बचाना चाहते हैं तो स्प्रे करिए अपने फेस पे लॉट्स ऑफ गुलाब जल। सो या दैट्स इट, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हैं मेरे चैनल पे न्यू तो करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। सो ज़्यादा वेट ही करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैं पॉन्स की बीबी क्रीम ले रही हूँ। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, फाउंडेशन ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कि डांडिया करने जा रहे तो बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डांस करने पर स्वेटिंग होती है और फिर पसीने के कारण मेकअप थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी बेस ना लगाएं। देन कॉम्पैक्ट से जो भी आपने लगाया है फाउंडेशन बीबी क्रीम उसे सेट कर लीजिए। या मैं स्टूडियो फिक्स का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। सो उसे सेट करने के बाद अब फटाक से आई मेकअप करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ग्लैम 21 का ब्राउन कलर यूज़ किया है आईब्रो के लिए। जिस तरह का मैं मेकअप बता रही हूँ वो आप बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी हैवी बेस नहीं लिया है। देन आई मेकअप भी बहुत सिंपल सा कर रही हूँ, और मैंने सिंपल हाथ का यूज़ किया है और एक सिंपल पफ का। आई मेकअप के लिए एक मैंने 2 brushes का यूज़ किया, क्योंकि मैंने 2 colors मर्ज किए। अगर आप सिंगल कलर यूज़ करते तो ब्रश की ज़रूरत भी नहीं है आपको। सो पहले मैंने जो मरून कलर था उसे आउटर कॉर्नर पे लगाया है। देन क्रीम ग्लिटरी शेड था, शिमरी शेड था वो, उसे मैंने सेंटर हाफ लीड पे लगाया है, हाफ अपनी आई लीड पे। देन लास्ट उसे हाफ आईलेट पे ले जा करके और जो आपने मरून कलर लगाया है दोनों को आउटर कॉर्नर पे उसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि वो हार्श ना लगे बिल्कुल भी। और जो मैंने मरून कलर लगाया है उसे अंदर क्रीज पे भी लेके आया है हल्का हल्का सा। देन जैसे कि मैंने बताया मैं फिंगर के हेल्प से ही कर रही हूँ मेकअप, तो अपनी आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैं सेम अपना जो बीबी क्रीम था उससे लोअर एंड अपर आईब्रो के साइड में लगा रही हूँ, सेंटर पोर्शन को भी क्लियर करने के लिए। देन अब लाइनर लगाएंगे, तो लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉल्स आईलैश इफेक्ट का लाइनर है, ये मैक का है, ये ट्यूब है, ये ओरिजिनल नहीं है।
ड्यूप तो आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था तो लाइनर तो मुझे अच्छा लगा, बट इसका मस्कारा मुझे उतना पसंद नहीं है। मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया है विंग्स के साथ में। आप लाइनर आपके हिसाब से लगा सकते हैं, आप जैसे भी पसंद करते हैं। ये सेम फॉल्स लेस इफेक्ट का मस्कारा है। देन सेम कलर लेके मैरून कलर में लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ, और सिंपल मरून कलर लगाया मैंने, ब्लैक के साथ उसे ब्लेंड नहीं किया है। तो जो भी आप लगा रहे हैं उसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बिल्कुल भी हार्श ना लगे और काफ़ी डिफाइन और अच्छा लगे। देन अब करते हैं ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शिवाना का ब्यूटी ब्रॉन्जर। तो ब्रॉन्जिंग कटिंग देना होता है आपके फेस पे, वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है, कंटूर यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी पिगमेंटेड है, तो इस अलग से कंटूर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करना है, इसके लिए मैंने ब्रॉन्जिंग की है काफ़ी लाइट, और उसे सेम अपने पफ से उसे ब्लेंड कर लिया था। देन यहाँ पर मैं एवॉन का ब्लशर ले रही हूँ और उसे लगा करके अपनी फिंगर की हेल्प से उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन लास्ट में अब लगा रही हूँ मैं अपनी लिपस्टिक, जिसके लिए मैंने एक बुलेट लिपस्टिक और एक लिक्विड लिपस्टिक ली है। ये रेट्रो की बुलेट लिपस्टिक है एंड हुडा ब्यूटी की आपकी लिक्विड लिपस्टिक है ये। देन अब लास्ट में आता है हमारा हाइलाइटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे मेकअप में। अगर हाइलाइटर नहीं लगाया तो मतलब वो लुक आएगा ही नहीं। हाइलाइटर लगाने के बाद जो लुक आता है वो मतलब क्या शाइन मारता है। अब यहाँ पे हाइलाइटर मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ। जितने भी हाईबोन एरिया होते हैं, जैसे चिक्स हो गया, नोज़ हो गया, आपका आईब्रो एरिया हो गया, वहाँ पे आप लगा लेंगे। लिप पे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। लिप के जो ऊपर साइड लगाया मैंने वहाँ लगाना है या नहीं, अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगाया। एंड देन अपनी लास्ट स्मॉल फिंगर की हेल्प से मैं अपनी आई के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अब देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। ज्वेलरीज आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, मेरे पास सिल्वर ज्वेलरीज थी इसलिए मैंने सिल्वर ज्वेलरीज दिखाया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस नवरात्रि अपनाए इस टाइप का लुक जो कि बहुत सिंपल है। और तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।